जय हिंद दोस्तों, हम लोग पीजीटी बायोलॉजी 2021 के आए हुए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये बोल रहा है कि द ग्रोथ ऑफ ओबिलिया कॉलोनी इज अ टाइप ऑफ, मतलब एक प्रकार का जो ओबिलिया कॉलोनी का ग्रोथ होता है वो होता है इसको, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सिम्पोडियल टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जियोस्पोर्स आर फाउंड इन, ये पूछ रहा है कि ऑक्जियोस्पोर किसमें पाया जाता है, ये बात कर रहा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, बेथोरियोफाइसी। तो ऑक्जियोस्पोर पाया जाता है डी नंबर ऑप्शन में, बेसिलियोफाइसी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को चेक करने के कि कितना क्वेश्चन सही हम कर पाते हैं, और अगर रिविजन करना हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 23 नंबर, कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ योक एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ ऑफ फ्रॉग, ये बोल रहा है कि जो योक होता है जैसे कि येलो कलर का होता है जो योक, उसके आधार पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम लोग बात करें तो योक फ्रॉग का अर्थात मेढक का योक किस प्रकार का होता है। जो फ्रॉग का एग होता है इसको आप लोग बताइए, इसका आंसर होगा बी नंबर, मेसोस्टेल अर्थात मीज मतलब बीच में, टीलोलिस्थल, मीजोलिस्थल एंड टीलोलिस्थल टाइप का, इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ, पॉलीसोम किसके बने होते हैं, पॉलीसोम जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सोचिए और आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, राइबोसोम और एमआरएनए से मिलके बने होते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग एम्फीबियन द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इन द स्टोमक ऑफ द फीमेल एंड लिटिल फ्रॉग कम आउट ऑफ इट्स माउथ, और निम्नलिखित में से जो निषेचित अंडे होते हैं मादा के आमाशय में विकसित होते हैं तथा लघु मेढक उसके मुख से बाहर आते हैं, ये कौन से एम्फीबिया में ऐसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, इसको बोलते हैं रियोबैट्रेकस, रियोबैट्रेकस में ऐसा होता है, जो कि ये चीजें पानी की आती है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, स्टेन द स्टेन सर्टेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ, द स्टेन ऑफ स्टेन ऑर्सिन, ऑर्सिन नाम का स्टेन जो होता है वो किस थैलस से, किसके थैलस से प्राप्त किया जाता है। तो जो ऑर्सिन नाम का थैलस होता है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं रोसेला, रोसेला स्पीसीज का, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच ऑफ द ओल्डेस्ट पीरियड एमंग द फॉलोइंग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है जो कि एक प्रकार से किसी चीज़ की ओरिजिन, जो हम लोग ओरिजिन पढ़ते हैं किसी का कब हुआ है, एक जूलॉजिकल टाइम स्केल में, क्योंकि जिस समय पीरियड में कैलेंडर नहीं होता था तो उस समय ये जूलॉजिकल टाइम स्केल का यूज होता था, तो कौन से पीरियड का ये जो ओल्डेस्ट ऑर्डर, ओल्डेस्ट पीरियड एमंग द फॉलोइंग इसमें जो दिया है, इसमें से कौन सा है, मतलब सबसे पहले कौन सा आया, जैसे कैम्ब्रियम, कैम्ब्रियोनिफेरस, ऑर्डोविशियन, टर्मिनल। तो देखिए हमने एक कोड बनाया है कॉस डीसीपी, ये बहुत ही फेमस कोड है, सब लोग जानते होंगे कॉस डीसीपी, मतलब सबसे पहले कौन सा आया, तो कैम्ब्रियन, ओडोबिशियन, सिलेरियन, डिवियन, कार्बोनिफेरस, इस टाइप से ये बाया हुआ है। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था कैम्ब्रियन, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर, कैम्ब्रियन का। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो ये कुल मिला के एक फैमिली दिया है, फैमिली का नाम दिया है इधर प्लांट फैमिली, और इधर इसके वो पूछा है कि इसका कंडीशन जो होता है पेंटामेरस कंडीशन होगा कि बाइकल्पलरी, एंड्रोमार्फ, एग्जुलर प्रेजेंटेशन, ये प्लासेंटा और फ्लावर के कुछ करेक्टर दिए हैं। तो पूछ जैसे क्रूसी फेरी जो होती है इसमें पेंटामेरस नहीं पाया जाता, ये गलत है। रैंडम कुलेसी जो होता है इसमें बाइकल्पलरी नहीं पाया जाता। जो ये ऑप्शन है कैपिरेडेसी, कैपिरेडेसी होता है, इसमें एंडोमार्फ आ जाता है, इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग
इट्स इंटायर लाइफ द क्वीन बीन कॉपुलेट, मतलब जो मधुमक्खी होती है अपने पूरे लाइफ में कितनी बार कॉपुलेशन कॉपुलेट करती है, मतलब कितनी बार कॉपुलेशन करती है। तो ये केवल और केवल याद रखिएगा, केवल और केवल एक बार अपने पूरे लाइफ में एक बार कॉपुलेशन करती है, जो कि बहुत सारे ड्रोन जब ये हवा में ऊपर जाती है, यहाँ पे मधुमक्खी हवा में जाएगी, बहुत सारे ड्रोन पीछे जाएगा, अब कोई एक ड्रोन सेलेक्ट होगा और केवल एक बार लाइफ टाइम में कॉपुलेट करती है, उसके बाद नहीं करती। अगला देखिए क्वेश्चन, चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसेलेरिया, चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसेलेरिया स्टार फिश इज, ना बात कर रहा है कि स्टार फिश के पेडिसेलेरियल, स्टार फिश में जो पेडिसेलेरियल, जैसे ये स्टार फिश इस तरह से होती है, तो जो इसके पेडिसेलेरियल पाए जाते हैं उसमें उसका चीफ फंक्शन क्या होता है, तो उसका जो फंक्शन होता है मेन फंक्शन उसको होता है ये वाला, क्लीनिंग, स्वच्छ रखना, मतलब जैसे सी नंबर स्वच्छ रखना, क्लीनिंगनेस की, कैप्चरिंग भी होता है लेकिन मेन फंक्शन इसका ये होता है क्लीनिंग। तो अब हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन समझे हैं, हम लोग फिर मिलेंगे इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब इसी के नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग इसको पढ़िए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। ओके, जय हिंद, बाय बाय।